करें। अम्मा बाप फाउज़ बिल्लाह इन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यहाँ आने वाले तमाम अज़ीज़ मेहमान वो सबको मैं खासकर अहम बिरादरी को खुश आमदेद कहता हूँ और इनका शुक्र गुजार हूँ कि इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही अपनी जमात समझा और अपने आप को इस सफों में शामिल किया जिसकी जरूरत हम सब निजाम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब गुलाम रब्बानी साहब मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे स्टेज पे आने की दावा दी। अब मैं मेहमानों को तारुफ शरफ नहीं कराऊंगा क्योंकि मुख्तसर बात करनी है, लिहाजा एक डॉक्टर साहब मैं आपसे गुजारिश जरूर करूंगा कि आज का जो स्टेज है ये आपके रानी बिरादरी को तो मैं सलाम पेश करता हूँ अपने हाथ से, और यहाँ जो आजादी सहाफत से ताल्लुक रखने वाले जिला चकवाल से के मायनाज साफी हजरात बैठे हैं, इनकी खिदमत में कुछ गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ, वरना मेरा मौजू कुछ और था, अब मेरा मौजू कुछ और हो गया है। तहसील लावा ने हमारी अपोजिशन लीडर, हमारे अपोजिशन जमात अपने इंतखाबी मुहिम और जलसे कर रही है, हर आदमी को अपना ख्याल का, अपनी बात करने का, अपने इजहार हक का उसको मुकम्मल हक हासिल है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहां तलगंग शहर का फर्जंद तलगंग कहलवाने वाला खुद सख्त तलगंग तलगंग फर्जंद कहलवाने वाला हाफिज अमार यासिर उसने लावा में मेरे बुजुर्ग कायद मलिक सलीम इकबाल साहब के बारे में अपनी गंदी जबान इस्तेमाल की। मैं इस स्टेज से और इन साहबी बिरादरी उसके सामने उसको ये चैलेंज करता हूं कि जो उसने कहा है अगर वो साबित कर दे तो मलिक सलीम इकबाल का खानदान सियासत छोड़ देगा, कि अगर इस किस्म की गंदी जबान अगर उसने इस्तेमाल की है। और उसने ये कहा कि मलिक सलीम इकबाल ने दौरे हुकूमत में और हमारी दौरे हुकूमत में परवेज एलाही साहब को सलाम किया, उनके सामने झुके और हमने उनकी उनकी बात मानी और उनको तहसीनात दी थी। हमने अपना मुकाबला किया और मुकाबला करके हम अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उस वक्त की फतह नसीब हुई। आज इस पोजीशन में जहां हाफिज अमार